welcome again continuing from our topic of basic accounting terms of financial accounting one of acca previous lecture ka link aapko description mein mil jayega so continue karte hain from financial performance initially we have defined accounting as a language of business and whoever understand this language can understand what has happened in the business वट इज़ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिज़नेस एंड वट इज़ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग इज़ क्वैट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप इसमें ये जानना चाहते हैं आप अकाउंटिंग की सारी एक्टिविटी जो प्रोसेस है वो क्यों परफॉर्म करते हैं वो इसलिए परफॉर्म करते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपके बिज़नेस का रिजल्ट क्या है इट इज़ अूमन नेचर कि आप हमेशा रिजल्ट में इंटरेस्टेड होते हैं लाइक like हमने बात की थी कि अगर आप कोई टेस्ट देते हैं तो यू यू वाना नो दैट कि आपका उस टेस्ट में क्या रिज़ल्ट आया या पेपर्स में आपका क्या रिज़ल्ट आया सो so इसी तरह अगर आप कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आफ़्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आप जानना चाहेंगे कि बिज़नेस ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा है या नहीं या आप कह लें कि बिज़नेस आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं इस मकसद के लिए आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें कंपेयर करेंगे अगर इनकम ग्रेटर है एक्सपेंसिस से तो फिर ये सिचुएशन आपके लिए प्रॉफिट को शो करेगी अदरवाइज लॉस को शो करेगी बिजनेस में अकाउंटिंग में आपके पास इस मकसद के लिए एक स्टेटमेंट प्रोड्यूस की जाती है जिसे नाम दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इसमें क्या किया जाता है कंपैरिजन किया जाता है इनकम और एक्सपेंसेस को व्हाट इज़ मीन बाय इनकम अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो दिस इज सेट टू बी अ रेवन्यू आन बाय द बिजनेस आवर द अकाउंटिंग पीरियड एंड इज जनरेटेड मेनली थ्रू द सेल ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसज आपके पास आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं आप मेडिसिन सेल करने का बिजनेस कर रहे हैं तो मेडिसिन सेल करने से जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं या आपने मेडिसिन सेल करने के हवाले से जो अमाउंट आपने रिसीव करनी है वो आपकी सेल्स है वो आपका रेवेन्यू है इसी तरह अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के अगेंस्ट जो अमाउंट आपने रिसीव करनी है या कर ली है दैट इज़ सेट टू बी योर रेवेन्यू दिस इज़ सेट टू बी मेनली थ्रू द सेल ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज रेवेन्यू या इनकम आप और तरह से भी अर्न कर सकते हैं लाइक like अगर आपके पास बिल्डिंग का कुछ हिस्सा आपकी ज़रूरत से ज्यादा है आपकी अपनी बिल्डिंग है और उसका कुछ हिस्सा आपकी जरूरत से ज्यादा है तो आप उसे लेट आउट कर देते हैं किराए पर दे देते हैं तो वहाँ से भी आप इनकम रिसीव करेंगे अगर आपके पास कुछ ज़्यादा अमाउंट मौजूद है कैश में आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और उसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे ये भी आपकी इनकम है लेकिन मेनली आपके पास रेवेन्यू जो अर्न किया जाता है वो थ्रू द सेल ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज है नाउ व्हाट इज़ मीन बाय एक्सपेंडिचर इसी सेल्स को जनरेट करने के सिलसिले में जो भी आपकी कॉस्ट खर्च हो रही है आर टू बी एक्सपेंडिचर सेल्स को क्रिएट करने के लिए जनरेट करने के लिए आपके पास जो भी कॉस्ट खर्च हो रही है वो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं इसमें आपके पास परचेज़ आ जाती हैं आपके पास वेजेस आ जाती हैं यूटिलिटीज, रेंट एडवर्टाइजमेंट। लाइक आपने कोई बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ली है तो आप उसका रेंट पे पे करेंगे वो आपके लिए एक्सपेंस है गुड्स आपने ख़रीदी हैं गुड्स को खरीदने पे आपकी कॉस्ट खर्च हुई है ये आपके एक्सपेंडिचर हैं टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं अपनी शॉप पे अपनी बिजनेस प्लेस पे तो वो आपका एक्सपेंस है आपने किसी एम्प्लॉ को अपने लिए अपनी हेल्प के लिए रखा हुआ है उस एम्प्लॉ को आप कुछ पेमेंट करते हैं दैट इज़ सट टू बी सैलरी ऑन वेजेस वो आपका एक्सपेंस है आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सपेंस है सो इनकम अगेन आपके पास गुड्स सेल करने से सर्विसेज सेल करने के अगेंस्ट जो अमाउंट आपने रिसीव की है या करनी है दैट इज हट टू बी योर रेवेन्यू योर इनकम और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आप जो भी कॉस्ट खर्च कर रहे हैं दैट इज़ योर एक्सपेंस सो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अंडरस्टैंड करने के लिए टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वी नीड टू प्रपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कंपेरिजन किया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर्स का नो प्रॉफ़िट इज सिचुएशन इनकम लेस कॉस्ट इज सेड टू बी प्रॉफिट या आप कह लें कि इनकम और एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस है उसमें अगर इनकम ग्रेटर है तो ये प्रॉफिट है और अगर एक्सपेंडिचर ग्रेटर हैं तो ये लॉस की सिचुएशन है नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंस में आपके पास मनी स्पेंट ऑन रेंट सैलरी एडवर्टाइजमेंट टेलीफोन ये सब शामिल हैं बट डज़ नॉट इंक्लूड गुड्स परचेज फॉर रीसेल जो चीज़ें आपने दोबारा बेचने की गर्ज़ ख़रीदी हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं मीन्स इफ़ यू आर अ क्लॉथ मर्चेंट आप क्लॉथ परचेज करते हैं विद इन इंटेंशन टू री सेल तो ये क्लॉथ की परचेज आपके लिए एक्सपेंस की कैटेगरी uh, में नहीं आती आपके पास अगर आप मेडिसिन uh, परचेज करते हैं विद इन इंटेंशन टू री सेल रिस्क वॉच परचेज करते हैं विद एन इंटेंशन टू री सेल तो दीसा सेट टू बी परचेज बट दीज आर नॉट सेट टू बी एक्सपेंसिज एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूड परचेज एज वेल एज ऑल अदर एक्सपेंसि मैंशन अबब एंड मनी स्पेंट ऑन बाइंग एनीथिंग एल्स फॉर द ऑर्गनाइजेशन कोई भी चीज जो अपने बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हैं अमाउंट उस पर जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं दैट इज सेट टू बी एक्सपेंडिचर सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसर एंड एक्सपेंडिचर मनी स्पेंट ऑन रेंट सैलरी, एडवर्टाइजमेंट टेलीफोन बट इट ड नॉट इंक्लूड द अमाउंट स्पेंड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स गुड्स वो चीज़ें हैं कि जो रीसेल करने के लिए खरीदी गई हैं जबकि एक्सपेंडिचर में आपके पास परचेजेज भी इंक्लूड होंगी एक्सपेंसिज भी होंगे एंड मनी स्पेंड ऑन बाइंग एनीथिंग एल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन तो के लिए आप परचेज़ कर रहे हैं वो भी एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगी नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर व्हेन द गुड्स चेंज हैंड्स इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट आप कोई चीज़ मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको सेलर जो है एक रिसिप्ट देता है किस वजह से कि आपने पेमेंट की है मनी रिसीव्ड ऑफन फ्रॉम कैश सेल मनी पेड आउट इन कैश और बाय चेक मनी जो आप रिसीव करते हैं वो यूजली कैश सेल के हवाले से रिसीव करते हैं और मनी जो पे की जाती है या कैश की सूरत में पे की जाती है या चेक की सूरत में नाउ इट इज़ अबाउट फाइनेंशियल पोजिशन अगेन हम बात करेंगे अबाउट द अकाउंटिंग इफ अकाउंटिंग इज सट टू बी अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस तो ऐसी सूरत में जो भी पर्सन इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि वट इज़ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजिशन ऑफ द बिजनेस तो अब हम बात करेंगे अबाउट फाइनेंशियल पोजिशन At the end of accounting period, the statement of financial position or you can say balance sheet provides a snapshot of entity's financial situation. What is our financial situation है? at that moment, at that particular date? What is our financial situation at that financial position to represent financial position, assets and liabilities are Asset is defined as resources that the entity uses in generating income income generate can actually be resources use hain, these are said to be assets this is a simple definition example include plant and machinery motor vehicle inventory and cash these are said to be assets resources that the entity uses to generate income and liabilities are said to be amounts that are owed by the entity, to entity to pay. Karni hai. For example, if you bank loan, then you have to repay. Karna this is your obligation, your liability. And also trade payables are said to be person from whom goods are purchased on credit. So it is also your liability, your responsibility to pay that person. And third thing is said to be capital, the owner's investment. So these five are said to be elements of financial statement income, expenditures, assets, liabilities, and capital. Now, one by one, in a comprehensively defined, asset is defined as resources controlled by the entity. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर इज कंट्रोल बाई द एंटिटी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कोई एसेट आप ऑन कर रहे हैं तो वही आपका एसेट है अगर आप उस एसेट को अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं जहां चाहे यूज कर सकते हैं तो चाहे आप उसे ऑन नहीं कर रहे बट कंट्रोल कर रहे हैं तो वह भी आपका एसेट है एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट एंड फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी और जिनकी वजह से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है एंटीटी को मिलेगा

नॉन करंट एसेट के जिनका बेनिफिट फॉर मोर देन वन ईयर हो सकता है बिजनेस को लाइक मशीनरी ऑफिस बिल्डिंग मोटर व्हीकल और करंट एसेट के जिनका बेनिफिट विद इन अयर कंज्यूम हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स आर फैक्ट्रीज ऑफिस बिल्डिंग वेयर हाउसेस डिलीवरी वैंस लॉरीज प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑफिस फर्नीचर कैश गुड्स हेल्ड इन स्टोर अवेटिंग सेल्स टू कस्टमर जो भी गुड्स आपके पास तैयार हैं रेडी हैं फॉर सेल वो भी आपके लिए एसेट है एंड राम टेल के मैनुफैक्चरिंग कंसर्न में राम टेयल लेकर आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो जो राम टेयल आपके पास मौजूद है एंड कंपोनेंट्स आपने अपने स्टोर में रखे हुए हैं बिजनेस के हवाले से कि प्रोडक्शन में यूज़ होंगे तो वो भी आपके लिए एसेट की डेफिनेशन में आते हैं लाइबिलिटिस लाइबिलिटीज़ आर सेट टू बी सम ऑफ मनी ओन्ड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर तो लाइबिलिटी और कैपिटल में मेन डिफरेंस यही है कि लाइबिलिटी इज अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर जो बाहर के लोगों को अमाउंट आपने पे करनी है उसे लाइबिलिटी कहा जाता है जैसे कि अगर आपने किसी से उधार पर कुछ चीजें परचेज की हैं तो आपने उसे पेमेंट करनी है दैट इज सेट बी ऑर लाइबिलिटी अ लाइबिलिटी समथिंग विच इज ओड टू समी एल्स एग्जाम्पल है इसकी बैंक लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस अकाउंट पेबल एंड टैक्सेस हाउ टैक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ लाइबिलिटी टैक्स को हम कैसे लाइबिलिटी समझते हैं बिकॉज बिजनेस हैज़ टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट बट देर इज अ टाइम गैप बिटवीन वेन अ बिजनेस ऑन अ प्रॉफिट एंड द टाइम वेन द टैक्स बिल इज इवेंचुअली पेड कि जब आपको जब आपने प्रॉफिट अर्न किया है और जब आपने टैक्स पे करना है इसके दरम्यान कुछ टाइम गैप है द गवर्मेंट इज देन सेट टू बी बिजनेस अकाउंट पेबल इसलिए फिर गवर्मेंट बिजनेस के लिए अकाउंट पेबल कंसिडर की जाती है रेवेन्यू एंड इनकम रेवन्यू इज अ प्राइस ऑफ और सर्विस स्टैंडर्ड हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि वट इज मीन बाई रेवेन्यू और इनकम गुड सेल करने के अगेंस्ट जो आपने अमाउंट रिसीव कर ली है या रिसीव करनी है दैट इज सेट टू बी और रेवेन्यू इसके अलावा कोई भी अमाउंट जो आप फी के तौर पर चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के अगेंस्ट दैट इज ऑल्सो सेट टू बी रेवन्यू आर एक्सपेंसिज टू बी द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर अर्निंग रेवन्यू उस कॉस्ट को कहा जाता है expenses, जो कि एक्सपेंसिजन्यू अर्न करने के सिलसिले में खर्च की जा रही है इक्विटी और कैपिटल इट रिप्रेजेंट ऑनर्स राइट अवर बिजनेस एसेट इट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज यानी टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो डिफरेंस आपके पास इक्विटी या कैपिटल आ जाता है कैपिटल इज सेट टू बी इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न कैपिटल वो अमाउंट है कि जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ कैश की फॉर्म में इन्वेस्ट करे वो गुड्स की फॉर्म में इन्वेस्ट कर, कर सकता है वो फर्नीचर की फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकता है बिल्डिंग की फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकता है तो एनी थिंग विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ऑनर विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न इज सेट टू बी कैपिटल अजनस प्रोपायटर इन्वेस्ट कैपिटल विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट रिटर्न मीन्स कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है द बिजनेस ओज द कैपिटल एंड द प्रॉफिट टू द प्रोपैटर तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का कंसिडर किया जाता है दैट इज सट टू बी सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट कि जिसके मुताबिक ऑनर एंड बिजनेस आर अपार्ट फ्राम ईच अदर एंड ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनर तो कैपिटल उसी की एग्जाम्पल है कि अगर कैपिटल ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है तो हमने इसे ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर नहीं करना कि ऑनर के पास से कोई कैश कम हो रहा है हमने उसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करना है नेक्स्ट इज ड्राइंग्स ड्राइंग्स कहा जाता है कैश और एनी अदर एसेट विद बाय द ऑनर फॉर हिज आर पर्सनल यूज और हाउस होल्ड यूज इज सेट टू बी ड्राइंग अगेन यहाँ पे आपका सेपरेट एंट्री का कॉन्सेप्ट है कि जो इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि हमने तमाम ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है नो डाउट ऑनर विड्रॉ कर रहा है समथिंग फ्रॉम द बिजनेस अगर हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो गुड्स या वो मनी वो कैश वो जो विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से वो उस ऑनर के पास इंक्रीज हो रहा है बट इसे हमने ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर नहीं करना वी हैव टू कंसिडर इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस अदर टर्म्स में आपके पास आ जाती है अकाउंट पेबल अकाउंट पेबल सेट टू बी दोज सप्लायर फ्रॉम होम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट वो सप्लायर के जिनसे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं और जिनको हमने फ्यूचर में वो पेमेंट करनी है उन गुड्स के अगेंस्ट एंड दीज आर सेट टू बी लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड एज अकाउंट पेबल एन अकाउंट रिसीबल एग्जैक्टली ऑपोजिट दीज आर द कस्टमर्स टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट के जिन्हें उधार पे चीज़ें सेल की गई हैं इनसे बिजनेस ने पैसे रिसीव करने हैं और ये रिसिबल अमाउंट बिजनेस की बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड की जाती है

डिस्काउंट आपके पास दो तरह से है ट्रेड डिस्काउंट अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड फ्रॉम कस्टमर एंड कैश डिस्काउंट इज एन ऑप्शनल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मनी पेबल बाय अ कस्टमर तो डिस्काउंट के हवाले से सेपरेटली हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं कि वट इज़ मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट एंड हाउ टू कैलकुलेट द कैश डिस्काउंट उसकी क्या टर्म्स हैं ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट कि जब कोई कस्टमर बल्क में चीज़ें हमसे ख़रीदता है तब हम इसे डिस्काउंट दे देते हैं तो बल्क में ख़रीदने की वजह से ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सेकंड आपके पास ट्रेड डिस्काउंट देने की रीज़न ये है कि कस्टमर इज़ एन ओल्ड कस्टमर पुराना कस्टमर है हमारा इस वजह से हम इसे लाइक करने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं थर्ड है एज अ कस्टम ऑफ ट्रेड एज अ कस्टम ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर मार्केट है वहाँ पे 1000 की बुक नॉर्मली नाइन हंड्रेड की डिस्काउंटेड प्राइस पर सेल की जाती है तो अगर आप भी उसी मार्केट में बुक शॉप ओपन करते हैं तो अगर आप वो बुक वन थाउजेंड की सेल करेंगे तो कोई भी आपसे नहीं ख़रीदेगा कि बाकी शॉप्स में वो बुक नाइन हंड्रेड की मिल रही है सो एज अ कस्टम ऑफ ट्रेड आपको वो डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा तो देट इज़ सेट बी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के जहाँ पे आप ऑप्शन देते हैं अपने कस्टमर को इनक्रेज करते हैं कि अगर वो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में पेमेंट कर देगा तो आप उसे कुछ कंसेशन दे देंगे ये इसलिए होता है कि बिज़नेस में जब क्रेडिट सेल की जाती हैं तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ सकता है तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है कस्टमर को कि वो जल्दी पेमेंट कर दें एंड देन उस सिलसिले में जो भी कंसेशन दी जाती है दैट इज़ नोन टू बी कैश डिस्काउंट